नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट आया हुआ, रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया गया है सिटी ग्रुप की तरफ से, जिस वजह से यहाँ पे स्टॉक्स में आपको ना 2% की जोरदार तेजी और गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल रही है। तो उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा दिया है और आने वाले टाइम पे 1530 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ऐसा रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है। तो देखिए, स्टॉक्स अभी 1530 कहाँ पे आता है, अभी ये 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा, मतलब यहाँ पे जो जितना ये गिरा हुआ ना स्टॉक सब रिकवर कर सकता है, मतलब 200 पॉइंट की रिकवरी हो सकती है। तो रिसर्च रिपोर्ट में किन किन पॉइंटों को हाईलाइट किया गया, तो देखिए जो मार्जिन को लेकर एक तरह से बार बार न्यूज आ रही थी और मार्जिन की वजह से इनका क्यूटो का रिजल्ट खराब हो गया था, जिस वजह से स्टॉक्स में हमको गिरावट देखने को मिला, अभी ये मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकती है। दूसरा चीज क्या है, 5G को लेकर इन्होंने जो 5G का प्राइस हाइक किया था, टैरिफ प्लान हाइक किया है, इस वजह से इनको ना अच्छे फायदे हो सकते हैं। और अभी IPL आ रहा है बराबर ना, तो IPL में बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, जिसका फायदा जियो सिनेमा को होगा और जियो सिनेमा जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। तो एक तरह से ना दो तीन पॉइंट जो है अच्छे अच्छे जोड़ कर यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किए गए, जिस वजह से यहाँ पे अच्छे ट्रेंड फॉलो होते हुए हमको देखने को मिल सकता है। अभी क्या करना चाहिए स्टॉक को लेकर, तो देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, यहाँ पे ज़्यादा करेक्शन होता नहीं है, जो करेक्शन हो गया वो बहुत ठीक ठाक है और इसमें कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमको अच्छे ट्रेंड मिल सकते हैं। तो 1500 1250 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ऑलरेडी इसने फ्राइडे से मूवमेंट बनाना चालू कर दिया है। तो पहला टारगेट जो रहेगा 1400 रुपये रहेगा, दूसरा टारगेट जो रहेगा 1500 रुपये तक का देखने को मिल सकती है। तो सारे कंडीशन सारे न्यूज़ बता दिया, चैनल परिवार आते सब्सक्राइब जरूर करना, बैसल को रिकमेंडेशन है। जय हिंद।